बातलवी राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। मेले का समापन नेता प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया। मेले में जहां मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से लोकगीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां दी गई, वहीं दूसरी ओर जिला खेल विभाग की ओर से फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राजपुर 11 देहरादून और खिरसू FC के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित समय तक दोनों ही टीमों की ओर से एक एक गोल किया गया, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में राजपुर 11 देहरादून ने 4-3 से खिरसू FC को पराजित कर मुकाबला जीता। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला देवकोट चमोली और ब्रदर्स क्लब गौचर के बीच खेला गया, जिसमें देवकोट की टीम ने खिताब अपने नाम किया। समापन के मौके पर फुटबॉल और वॉलीबॉल की विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000, 41,000, 31,000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि मेले में उद्योग विभाग की ओर से स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए 40 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें कालीन, पंखी, स्वेटर, टोपी सहित अन्य ऊनी उत्पादों के साथ ही कृषि और बागवानी के उत्पादों का वितरण भी किया गया। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक BS कुंवर ने बताया कि मेले के दौरान विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉलों से 42 लाख के स्थानीय उत्पादों का विपणन किया गया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।